Hey, hello, OBS, welcome to Tech Heaven again. Micromax in on B. क्या ये रेड सिग्नल है या फिर ग्रीन सिग्नल है? और रेड सिग्नल से याद है कि मैंने आपके लाल कलर का हुडी पहना है और बाल थोड़ा बिखरा हुआ है, इसलिए इसको लगाया है. Micromax in on B क्या आपको खरीदना चाहिए? क्या आपके लिए ये रेड सिग्नल है, मतलब कि नहीं खरीदना चाहिए, या फिर ग्रीन सिग्नल है आपको खरीदना चाहिए? इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ. तो चलिए पता लगा दें कि Micromax in on B रेड सिग्नल है या फिर ग्रीन सिग्नल. सो है फ्रेंड्स, मैं हूँ तपोश, आप देख रहे हैं इन ऑन बी. आपको दो वेरियंट में मिलने वाला है. एक है 2GB 32GB वाला वेरियंट जिसका प्राइस है 6999, मतलब कि 7000 रुपये, और है 4GB 64GB वाला वेरियंट जिसका प्राइस है 8000 रुपये. तो अभी मेरे हिसाब से कि अभी स्मार्टफोन लेंगे तो 2GB रैम मुझे नहीं लगता कि उतना यूजफुल होगा, तो आप 4GB 64GB को लेके चलिए और उसका प्राइस है 8000. तो इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि क्या ये आपका वैल्यू फॉर मनी होगा या फिर नहीं. इसमें आपको 6.52 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने मिलने वाला है. तो डिस्प्ले काफ़ी बड़ा होगा. जो HD+ डिस्प्ले है तो आपको मालूम होगा कि जो YouTube का कंटेंट है वो आप 720p ही देख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. लेकिन HD+ डिस्प्ले इस प्राइस के हिसाब से सभी दे रहे हैं, तो Micromax क्यों पीछे रहे. कैमरा, तो कैमरे के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो पीछे की तरफ आपको दो कैमरा देखने को मिलता है 13+2, और सामने की तरफ आपको एक कैमरा देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का, जो नॉच में है, तो वाटर ड्रॉप नॉच आप कह सकते हैं. तो कैमरा सैंपल्स मैंने किसी दूसरे यूट्यूब के वीडियोस में देखे, तो कैमरा का जो सैंपल्स है वो कैमरा अच्छा ठीक ठाक फोटो क्लिक कर लेता है पीछे की तरफ से, और सामने तरफ से आपको ब्यूटी मोड का भी देखने को मिलता है, और नाइट मोड का फीचर भी आपको देखने को मिलता है इस फ़ोन में, तो जो काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है इस फ़ोन के बजट फ़ोन के हिसाब से. चार्जिंग और बैटरी, तो फ्रेंड्स इस फोन में आपको 5000 mAh बैटरी देखने को मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है, और ये 10W का चार्जिंग सपोर्ट करता है, और ये फ़ोन रिवर्स चार्ज भी करता है. रिवर्स चार्ज का मतलब है कि आप उस फोन से किसी दूसरे फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं, जो काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है. तो इस बजट फ़ोन में आपको micro USB-C देखने को मिलता है. 5000 mAh बैटरी काफ़ी बढ़िया बैटरी है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा हो जाता है इस बैटरी के मामले में, और चार्जिंग जो है वो 10W का चार्जिंग है. तो ये आपको ध्यान में. प्रोसेसर, इसके अंदर आपको MediaTek का Helio G35 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है. ये वही प्रोसेसर है जो आपको Realme C12 और C15 में देखने को मिलता है. तो प्रोसेसर के मामले में आप फ्री फायर टाइप का गेम आप खेल सकते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम आप एक्सपेक्ट मत करना. तो फ्री फायर गेम के लिए ये प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया हो जाती है, और परफॉर्मेंस जो आपको डे टू डे लाइफ जो आपको मिलने वाला है वो भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है इस G35 प्रोसेसर के साथ. स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, क्योंकि क्लीन UI होने वाला है, कोई भी फालतू के ऐप्स आपको इसमें नहीं मिलेगा. Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलने वाला है. लेकिन वीडियो में मैंने देखा कि नोटिफिकेशन पैनल थोड़ा चेंज है, और सेटिंग के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा फीचर देखने वाला है, फिंगरप्रिंट के कस्टमाइज़ करने के लिए एक एक्स्ट्रा फीचर मिलने वाला है. तो एक्स्ट्रा फीचर मिलने वाला है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है. 2 ईयर्स का Micromax ने दावा किया है कि 2 साल तक आपको अपडेट्स देते रहेंगे, तो काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है. और हाँ, फालतू के ऐप्स आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी ऐप्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है. तो इसीलिए मैं आपको इसको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इस फोन को बेझिझक, जो आपका प्राइस अगर आप 8000 रुपये है, तो आप 4GB 64GB वाला वेरिएंट जो भी आपको पसंद हो इस कलर के हिसाब से आप खरीद सकते हैं. और तो और इसमें आपको ड्यूल सिम और micro SD कार्ड भी का सपोर्ट मिल जाता है. 3 स्लॉट है, ड्यूल 4G बोलती है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है. स्पीकर के बारे में बात करें तो पीछे की तरफ आपको स्पीकर मिलने वाला है एकदम पीछे की तरफ, जो अभी ओल्ड फोन में देखने को मिलता था. लेकिन कलर के मामले में डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा. फिंगरप्रिंट थोड़ा स्लो है, ये आपको ध्यान में रखना है. फेस अनलॉक भी आपको ठीक ठाक मिलता है, नॉर्मल मिलता है, लेकिन ये अपडेट में ठीक हो जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको एक इंडियन फ़ोन चाहिए तो आप इस फ़ोन को एकदम बाय कर सकते हैं, मस्ट बाय है ये फ़ोन. मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आपका अगर बजट 8000 रुपये है तो आप इस फोन को खरीद ले. तो धन्यवाद दोस्तों आपको प्रोडक्ट देखने के लिए. आशा करता हूँ ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, अच्छा तो प्लीज़ लाइक कर देना. और एक बात, अगर फोन चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना यार. इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पर चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा.